लास्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी है, उसे आप ध्यान से समझिएगा। ओके, अच्छा प्रोबेबिलिटी है क्या? पहला क्वेश्चन आपसे ये उठ रहा है कि प्रोबेबिलिटी है क्या। प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करें तो आपसे मैं पूरा टाइम सेव करने के लिए मैंने इस टाइप का लिख दिया हूँ। ओके, इट इज मैथमेटिकल मेजर ऑफ चांस ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट्स। आप इसमें एक वर्ड सुन रहे होंगे चांस, तो प्रोबेबिलिटी का जो मतलब होता है वो चांस ही है, इसको मैं चांस बोल सकता हूँ। चांस, या इसको मैं अगला अगला बात करें तो पॉसिबिलिटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पॉसिबिलिटी। तो मैंने अभी बताया प्रोबेबिलिटी मीन चांस या पॉसिबिलिटी। अब चांस की बात करें तो हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, आप इसमें में जाके या तो बोलेगा चांस ऑफ हैपनिंग, इसकी बात करूं मैं चांस ऑफ हैपनिंग या नॉट हैपनिंग। लेकिन चांस ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग किसकी बात करने जा रही है, इस पे आप फोकस कीजिए, इवेंट पे बात कर रहा है। ये जो पॉइंट है इवेंट्स, तो आपका टोटल डिपेंड करता है इवेंट्स। ओके, इवेंट ही डिफाइन करेगा प्रोबेबिलिटी को है। तो मैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं। तो सर, आप इवेंट्स निकालने के लिए किसी ऑब्जेक्ट पे जब भी होगा एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट आपका चांस बताता है कि आपका टोटल चांस कितना आ रहा है। उस चांस में जो चीज आउटकम्स आता है वो आउटकम्स के बारे में इवेंट की बात होती है। बेसिकली मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। सबसे अगर आपको ये प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया, बस प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होता है, चांस, चांस या तो हैपनिंग या नॉट हैपनिंग, किसका नॉट हैपनिंग हैपनिंग, तो आप कहेंगे इवेंट्स के बारे में। ओके, अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंट क्या है इसके बारे में क्लियर करते हैं। एक्सपेरिमेंट टू टाइप्स के होते हैं। बेसिकली आप समझिए एक्सपेरिमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। जिसको मैंने बोला फर्स्ट आपका क्या है, डिटर्मिनेस्टिक, और दूसरा क्या आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखो डिटर्मिनेस्टिक और रैंडम एक्सपेरिमेंट में अंतर क्या है, बहुत बड़ा डिफर नहीं है। यूपी बोर्ड के बच्चे जो हिंदी मीडियम से कुछ समझते हैं उनको लिए बहुत बेसिकली समझा रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट की बात करें दो टाइप्स के होते हैं, बस आप समझिएगा मैं बेसिकली आपको क्या बताने जा रहा हूँ। अगर आपसे बोले तो जो एक्सपेरिमेंट आता है उस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आता है क्या आएगा, रिजल्ट, तो रिजल्ट इधर भी आएगा आपका। ओके, तो जो डिटर्मिनेस्टिक का और रैंडम का रिजल्ट आता है ऑलवेज इसका सेम आता है, ये ध्यान देना है। तो डिटर्मिनेस्टिक या एक्सपेरिमेंट का जो हमारा रिजल्ट होता है हमेशा क्या होता है, सेम। बट इसका क्या होता है, रिजल्ट में और मे नॉट बी सेम। कहने का मतलब है, या हो सकता है इसका एक आए या दो, या हो सकता है पूरा आ जाए, या तो एक भी नहीं आवे, दैट इज वो क्या कहलाता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। क्लियर है? तो ये आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट और डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट के मैंने बारे में बात कर लिया हूँ, जिसमें से मैंने आपको बताने वाला हूँ कि भाई आपसे अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछे तो आप बेसिकली बोल दीजिएगा कि जब भी कोई बात करे रिजल्ट बता दीजिएगा। जो एक्सपेरिमेंट होता है उस एक्सपेरिमेंट दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट मैंने बताया फ्रेंड स्टूडेंट्स कि डिटर्मिनिस्टिक और रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जिसके रिजल्ट डिफरेंट आते हैं या सेम भी आ सकते हैं। ओके, बट सेम नहीं आएंगे, इसलिए मैं और मे नॉट दोनों वर्ड बोल दिया हूँ। और डिटर्मिनेस्टिक ऑलवेज सेम होता है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी में से कितनी होती है, वन, क्योंकि इसका चांस फिक्स है। नॉट चांस, ओनली हैपनिंग, हैपनिंग में बोलेंगे ऑलवेज फिक्स है इसकी चांस। जैसे मैं बात किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करता हूँ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्या मिलता है, ओके बताओ मुझे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे क्या, बेसिकली वाटर मिलता है। अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मैच करूं तो ये क्या बनेगा, H2O। बोलो बने नहीं बनेगा, इसको बैलेंस करने के लिए मैं 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, आपके बात करता हूं, तो ये आपका क्या हाइड्रोजन है या क्या ऑक्सीजन, बट आपको पता है इन दोनों का रेशियो, इन दोनों को मिक्स करने में हमेशा क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्या बनेगा, वाटर बनेगा, क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अगर बेसिकली मैं बात करूं जबकि इसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या कहेंगे आप,
रैंडम इशू में जैसे मैंने किसी एक क्वाइन की बात किया, एक क्वाइन को मैंने उछाला, जो क्वाइन होता है उस क्वाइन को जब आप टॉस करोगे तो उस क्वाइन पे चांस क्या आएंगे, हेड या टेल। आप बेसिकली क्या समझ रहे हैं, जब किसी एक क्वाइन को आप टॉस कर रहे हो, ओके, उस क्वाइन को जब टॉस करोगे तो आज क्या आएगा, हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा। लेकिन आप हेड टेल एक साथ तो नहीं आ सकता ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। दैट इज हमको ये पता हो गया कि उसकी रिजल्ट को मुझे पता नहीं है कि वो हेड आया या टेल आया, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो आपको बेसिकली स्टडी किसके बारे में करना है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में। क्लियर है, बेसिकली आपको समझ में आ रहा है। अब मैं बात करता हूँ टर्मिनोलॉजी, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में कुछ टर्मिनोलॉजी यूज वर्ड की जाती है, उस वर्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। टर्मिनोलॉजी होता क्या है, जिसमें से सैंपल स्पेस पहला बात करने जा रहे हैं। टर्मिनोलॉजी मतलब होता है बेसिक जो इसके फैक्टर होते हैं उसको टर्मिनोलॉजी यूज भी नाम बोल देते हैं हम लोग। तो बात करते हैं सैंपल स्पेस के बारे में। तो सैंपल स्पेस क्या है, यह ध्यान देना, सैंपल स्पेस बहुत आसान है, पहले एक बार इस वर्ड को एक्सप्लेन कर दे। सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्या वर्ड बोल रहा है, आप इधर से जाओ, इधर से जाओ, रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो भी आउटकम्स आता है वो क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस। अच्छा एक आप के लिए एक नया वर्ड है सेट, सेट होता क्या, सेट कलेक्शन होता है, क्या होता है, कलेक्शन होता है, बट वो कलेक्शन कैसा होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, और जो सेट होता है डिफरेंट डिफरेंट होना, सेम ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, अगर सेम है तो उसको भी हम एक ही मान के चलते हैं, ओके सेट होता है वो, ओके। अब मैं बात करता हूँ रैंडम एक्सपेरिमेंट आउटकम्स जो पॉसिबल होता है उस सभी को मिला करके एक सेट बनेगा, उस सब क्या कहलाएगा, हमारा सैंपल स्पेस कहलाएगा, ओके। सैंपल स्पेस को हम लोग यस से दिखाते हैं, ओके। अगर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है तो एन ऑफ एस, ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिनोट करते हैं, ओके। बेसिकली आपको अभी मैंने बताया क्या होता है सैंपल स्पेस, जैसे मैंने कहा एक क्वाइन लिया, क्या लिया, एक क्वाइन लिया, एक क्वाइन को मैंने टॉस कर दिया, ठीक है, एक क्वाइन को मैंने क्या किया, टॉस कर दिया। जब मैं एक क्वाइन को टॉस करेंगे, सपोज एक क्वाइन को टॉस करने पे आया तो ये हेड हो गया तो क्या होगा, टेल होगा, ओके। तो आपसे अगर कोई पूछे एक क्वाइन को टॉस करने पर, मतलब वन क्वाइन इज टॉस, देन हाउ मेनी सैंपल स्पेस, या बोलेंगे सैंपल स्पेस कितना है, तो यार जरा सोचो एक क्वाइन को फेंकेंगे सैंपल स्पेस क्या कहला रहा है, सैंपल स्पेस की मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो बताओ एक क्वाइन को फेंकने में रैंडम एक्सपेरिमेंट कितने आएंगे, एक्सपेरिमेंट दो ही टाइप के आएंगे, या तो हेड या तो क्या आएगा, टेल। तो टोटल सैंपल स्पेस कितने होंगे, दो, किसका, वन क्वाइन को टॉस करने पे। क्लियर है, नहीं क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, बेसिकली आप समझिएगा। अगला है इवेंट्स, इवेंट्स याद आया, इवेंट्स, इवेंट ही डिफाइन करता है प्रोबेबिलिटी को। तो आपको पहला चाह रहा था इवेंट, और सेकंड आपका क्या था, सैंपल स्पेस। तो फर्स्ट इवेंट के बारे में क्या है इस समझिएगा, बोल रहा है इट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अब इसमें समझिए, सैंपल स्पेस का नाम लिया है तो कुछ बेसिकली बात होगा, सबसेट, सेट की जगह ना करके क्या बोल दिया, सबसेट, सैंपल स्पेस ऑफ सेट की जगह सबसेट ऑलवेज क्या कहलाता है, इवेंट। क्वेश्चन कह रहा है पहले आप क्या देखो, इवेंट के बारे में बात करो, पहले आप देखिएगा कि सपोज दैट मैं बात करता हूँ, ये बेसिकली मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिए ध्यान से, ये क्या है, सैंपल स्पेस है, आप इसे पंजा मत समझिएगा, आपको अभी मैथमेटिक्स लैंग्वेज में समझिए, इसको मैंने सैंपल स्पेस ले लिया और ये हमारा क्या है, इवेंट्स है, ओके। तो जब भी इवेंट्स होगा या तो पूरा आएगा इस पे, सैंपल स्पेस के ऊपर पूरा आ जाएगा, या ये इवेंट्स इसके अंदर आएगा, हमारे पास समझ रहे, सैंपल स्पेस इसके अंदर नहीं जाएगा, इवेंट्स इसके ऊपर जाएगा, मतलब ये बड़ा है। अगर आपसे कोई पूछे सैंपल स्पेस बड़ा है कि इवेंट्स बड़ा है, तो आप बोलेंगे इवेंट्स छोटा होगा या बराबर होगा, किसके, सैंपल स्पेस के। सैंपल स्पेस पे डिपेंड कर कौन करता है, इवेंट्स है, इवेंट्स जब भी डिफाइन करेगा सैंपल स्पेस पे डिफाइन करेगा, ये ध्यान देना, न कि सैंपल स्पेस इवेंट पे डिफाइन करेगा, ओके। तो बेसिकली मैं बात करने जा रहा हूँ कि जब इवेंट्स की कोई बात करे तो बोलना इवेंट्स जब भी मेजर करेंगे वो किस में होना चाहिए, इवेंट्स सैंपल स्पेस में होना चाहिए, और इवेंट्स के जो भी आपके एलिमेंट्स होंगे या ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो भी चीज़ें होंगे उसके अंदर टूल्स होंगे, वो सब किसके टूल्स होंगे, सैंपल स्पेस के टूल्स होंगे। तो आपको क्लियर हो गया
इवेंट सैंपल स्पेस के अंदर होता है, ओके उसी को हम लोग बोलते हैं जो अंदर होता है सेट के अंदर। सेट के अंदर कौन? सबसेट। क्लियर है? अभी बेसिकली सभी डिफाइन करेंगे, आपको अभी बेसिकली समझना है सेट इवेंट्स क्या होते हैं। ओके अब मैं बात करता हूँ इवेंट्स के बारे में। इवेंट्स थ्री टाइप्स के मेनली होते हैं। होता है इम्पॉसिबल इवेंट। ये इम्पॉसिबल इवेंट क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट के बारे में मैं बात करूंगा। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, अगर मैंने नंबर इसको मैं मान लेता हूँ, अगर मैं इवेंट की बात करूँ, इवेंट को मेनली हम लोग ई से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ ई क्या है? नंबर ऑफ इवेंट्स की बात करता हूँ। तो याद रखना नंबर ऑफ इवेंट्स अगर क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो। मतलब एक भी इवेंट नहीं मैच कर रहा है किसमें? सैंपल स्पेस में। अगर एक भी इवेंट मैच नहीं कर रहा है सैंपल स्पेस में तो आप तुरंत बोलेंगे ये क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट। क्योंकि एक भी इवेंट मैच नहीं कर रहा है सैंपल स्पेस में। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, होता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है? श्योर, अरे श्योर मतलब क्या? वर्ड नाम सुनते ही लग रहा है श्योर इवेंट क्या है। श्योर इवेंट वो है ये पूरा का पूरा मैच कर रहा है। अगर बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ तो बोलेंगे जो नंबर ऑफ इवेंट्स है वो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के इक्वल है। अगर मैं बात करूँ तो बोलेंगे नंबर ऑफ जो इवेंट्स है वो इक्वल है किसके? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के। क्लियर है? अगर मैं बात करूँ एलिमेंट, एलिमेंट मतलब वन, सिर्फ सैंपल स्पेस में एक एक इवेंट की बात कर रहा है। तो मतलब अगर मैं नंबर ऑफ वन इवेंट है इन सैंपल स्पेस में तो आप कहेंगे एलिमेंट्री इवेंट्स है। तो आज इसी के मैं इसको ओपन लिखवा दिया था, जिसमें से मैं अब सभी के बारे में एग्जांपल्स के साथ और कुछ कंसेप्ट के साथ क्लियर करूंगा। आप बेसिकली ध्यान से समझिएगा। ओके तो बेसिकली मैं ध्यान से समझ बात करने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा है क्या चीज़ है फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं इवेंट्स के बारे में, सबसे पहले हम बात करते हैं आज सैंपल स्पेस के बारे में। सैंपल स्पेस, इस सैंपल स्पेस में सबसे पहले मैंने बताया था इसको एस से डिनोट करते हैं। तो हमने अभी बताया डिनोट किससे करते हैं? एस से। तो एन ऑफ यस क्या है? तो बोलेंगे ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है, नंबर ऑफ एस, या नंबर ऑफ पूरा लिख देते हैं सैंपल इवेंट, सैंपल स्पेस। ओके अगर मैं बात करता हूँ सैंपल स्पेस के बारे में, तो आज सैंपल स्पेस में सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाइन के बारे में। इस सैंपल के स्पेस, इस सैंपल स्पेस जो होता है उसमें बेसिकली मेनली आपको तीन पढ़ना है। पहला होता है क्वाइन, दूसरा होता है आपका कार्ड जिसको हम लोग प्लेइंग कार्ड भी बोलते हैं, लास्ट डाइस। ओके ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो आज हम बात करते हैं क्वाइन के बारे में। क्वाइन के बारे में, क्वाइन को हम कैसे उसका सैंपल स्पेस फाइंड आउट करेंगे। ओके तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पहला है वन क्वाइन टॉस। अगर मैं एक क्वाइन को टॉस कर रहा हूं, अगर मैं एक क्वाइन को टॉस कर रहा हूं तो उस केस में अगर आपसे पूछे कोई सैंपल स्पेस कितना है, तो जरा सोचिए अगर ये वन क्वाइन है, इस वन क्वाइन में या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा? टेल आएगा। तो मैंने बताया था रैंडम एक्सपेरिमेंट जो होता है वही आपका क्या कहलाता है? सैंपल इवेंट या सैंपल स्पेस बोलते हैं। ओके तो अगर मैं आपसे सैंपल स्पेस के बारे में बात करूं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ओके कितने हैं? टू है। क्यों? क्योंकि सैंपल स्पेस क्या क्या आ रहे हैं? ये सेट है, सिंबल है, हेड या क्या आ रहे हैं? टेल आ रहे हैं। तो वन टू नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए? टू हो गए। अगर बेसिकली मैं आपसे बात करूं टू क्वाइंस की बात करता हूं, टू क्वाइंस टॉस्ड, अगर टू दो क्वाइन को मैं अगर टॉस कर रहा हूं तो उस केस में अगर मैं बात करूं
तो यार अगर दो, लेकिन याद रखिएगा जब भी दो कॉइन को फेंकेंगे एक साथ, दैट इज अगर वर्ड बोले इंग्लिश लैंग्वेज साइमल्टेनियस के वर्ड होता है इसको, ठीक है ध्यान समझिएगा। तो अगर मैं दोनों कॉइन को एक साथ फेंक रहा हूँ, ओके एक साथ में क्या कर रहा हूँ, टॉस कर रहा हूँ, तो आपको पता है इस कॉइन का भी क्या है, हेड है, और इस कॉइन का भी क्या है, टेल है। इस कॉइन का भी क्या है, हेड है, इस कॉइन का भी क्या है, टेल है। तो आप बेसिकली इसका अगर सैंपल स्पेस की बात करें तो आप कहेंगे सर यहाँ का हेड आएगा, इसका हेड, तो इसका हेड, तो इसका भी हेड, इसका हेड, इसका क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा, क्लियर है, हेड 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 टेल। अब किसका लेंगे, टेल हेड, टेल हेड या टेल टेल। तो आपसे कोई पूछे तो कितना हुआ सैंपल स्पेस, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है, बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, आप समझिएगा। अगर 3 क्वाइंस हो गए, कितने क्वाइंस हो गए, 3 क्वाइंस, तो 3 क्वाइंस के लिए मैं बेसिकली मैं बात करूँगा, तो 3 क्वाइन का क्या कंडीशन है, तो अब आपको क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। अगर 3 क्वाइंस, 3 क्वाइंस आर टॉस्ड, या टॉस्ड लिख देते हैं, 3 क्वाइन टॉस कर दिया जा रहा है, तो अगर मैं बेसिकली बात करूँ 3 क्वाइंस की बात करता हूँ, 1 2 3, इन तीनों क्वाइन को मैं थ्रो कर रहा हूँ या टॉस कर रहा हूँ, तो इसका क्या है, हेड, इसका टेल, इसका हेड या टेल, इसका हेड या टेल, ओके। तो बेसिकली आप करेंगे क्या, फर्स्ट क्वाइन का सैंपल स्पेस के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे हेड हेड हेड, पहले क्वाइन आप फर्स्ट को चूज कर लीजिए, हेड 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 हो गया। अब देखो हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, क्लियर है, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, ये इनका पूरा के साथ कॉम्बिनेशन हो गया। अब इस टी की बात करते हैं, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, ओके टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। बेसिकली आपको समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। हेड को एच ई ए डी हेड है, हेड को एच से डिनोट करते हैं, ये टेल है, ये आपको क्लियर हो गया। तो नंबर बताओ, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए, तो आप बोलेंगे 8 है। अब यहां से एक जनरल रिजल्ट निकलता है, उस जनरल रिजल्ट को क्लियर करते हैं। आप यहां बताओ सैंपल स्पेस कितने हैं, 2 है, इसको मैं 2 के पावर 1 लिख सकता हूँ, ये यहां कितने हैं, 4 है, 2 के पावर 2 लिख सकता हूँ, यहां इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 के पावर 3। आप बेसिकली देखिए जो 1 है 2 है 3 है, ये क्या है, तो इसके बारे में बात करें तो ये 1 क्या है, नंबर ऑफ क्वाइन बता रहा है, नंबर ऑफ क्वाइन क्या है, नंबर ऑफ क्वाइन कितना है, 1, नंबर ऑफ क्वाइन 2, नंबर ऑफ क्वाइन 3। तो बेसिकली आपसे अगर मैं एक जनरली जनरल रिजल्ट की बात करता हूँ, जनरल रिजल्ट क्या है उसके बारे में बात करते हैं, तो आपसे कोई पूछेगा एन क्वाइंस आर टॉस्ड, टॉस्ड देन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 2 to the power n, n क्या है, नंबर ऑफ क्वाइन है, क्लियर है। अगर सपोज दैट आपसे कोई पूछ दिया हमारे पास 4 क्वाइन है, कितने क्वाइन है, 4 क्वाइन है, या 4 क्वाइन जिसको आप वर्ड बोल सके, तो अगर 4 क्वाइन है तो 2 के पावर 4, तो 2 पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 into 2 into 2 into 2, 2 to the 4 2 जाए 2 जा 16, ये हमारे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस।
तो बेसिकली आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सर क्वाइन क्या है। ओके, सैंपल स्पेस में अभी नेक्स्ट पॉइंट में बात करने जा रहा हूँ डाइस के बारे में, सॉरी कार्ड के बारे में, प्लेइंग कार्ड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, और उसका पूरा हिस्ट्री आप अच्छे से एक्सप्लेन कर लीजिएगा, इसे आप लोग दो तीन बार राइट कर लेंगे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एस डब्ल्यू जो आपको होमवर्क मिल रहा है उस होमवर्क पर भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। ओके, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लेइंग कार्ड, प्लेइंग कार्ड क्या है इसके बारे में बात करते हैं। इस प्लेइंग कार्ड में टोटल आपके 52 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड हैं? 52 कार्ड्स। अब इसके दो पार्ट डिवाइड कर दिए गए हैं। कितने पार्ट? दो पार्ट। फर्स्ट आपका है रेड और सेकंड क्या है आपका? ब्लैक। ओके, इसके भी दो पार्ट हैं, हार्ट डायमंड। इसके भी दो पार्ट, क्लब एंड स्पेस। ओके, अब इतना होने के बाद अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये बताओ रेड में कितने कार्ड होंगे? तब 26, यहां पे 26। ओके, यहां पे कितने, इसके कितने हार्ड कितने होंगे? हार्ड की बात करें तो हार्ड आप में इसलिए बोलेंगे, इसके भी दो पार्ट 13, यहां भी कितना होगा 13। तो इसके क्लब के 13, इसके भी 13। ओके, इसकी जो डिजाइन होती है हार्ट जैसा होता है, बेसिकली आप समझ लीजिएगा। डायमंड की बात करो तो डायमंड ऐसे होता है। ओके, ये क्लब है। स्पेड की बात करूं, स्पेड आपका पान के पत्ते की तरह होता है, आप देख लीजिएगा, ये आपका होता है। ओके, अब मैं बात करता हूँ क्लब हो गया, स्पेड हो गया। अब बेसिकली मैं बात करूँ तो 13 कार्ड कौन कौन है उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? ये क्लियर हो गया। इसमें सबसे फर्स्ट में मैं बात करूँ तो ध्यान से समझिएगा, अब 13 कार्ड कौन कौन होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। 1, 2, 3, 4, अगर मैं बात करूँ एक को दिखा देता हूँ, अब इसके बाद सबका सेम होता है, ध्यान समझिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैक, क्वीन एंड लास्ट क्या होगा आपका? किंग। यही आपका इसमें भी होगा, यही आपका इसमें भी होगा। इसमें भी क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैक, क्वीन एंड लास्ट क्या होता है? किंग। इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और आपका इसके बाद क्या है? जैक, क्वीन और इसके बाद लास्ट किंग है। ओके, इसमें क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर जैक, क्वीन एंड किंग। ओके, ये आपको समझ में आ रहा है? तो ये अब आपसे बात करूँ एक चीज़ और, इसको हम लोग एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस। इक्का जिसको आप लोग बोलते हैं इसको एस बोलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, एस है। ओके, ये भी क्या है?
वन को हम लोग एस बोलते हैं, याद रखिएगा। ओके, अब मैं आपसे कोई पूछा इसमें से ऑनर कार्ड क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फेस कार्ड के बारे में। तो फेस कार्ड क्या क्या होता है तो आप बता देंगे, जैक प्लस क्वीन प्लस क्या होता है बोलो, किंग। ओके, तो टोटल जैक कितने हैं आपके पास, एक दो तीन चार, तो चार जैक है, यहाँ पर लिखेंगे चार जैक है। क्वीन कितने भी है, चार है, और किंग कितने, चार। तो टोटल फेस कार्ड कितने होंगे, 12। ओके, टोटल फेस कार्ड, अगर टोटल फेस कार्ड रेड में पूछे तो एक दो तीन चार पाँच छः है। ओके, अगर आपसे कोई पूछा ऑनर कार्ड के बारे में, ऑनर कार्ड के बारे में, तो ऑनर कार्ड क्या है तो आप बोलेंगे एस जैक क्वीन एंड किंग। तो एस कितने आपके, चार, जो वन को बोलते हैं, एंड ये फोर, ये भी फोर, और ये भी कितना है, फोर, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 16। क्लियर है, ये हमारा ऑनर कार्ड है। ओके, लास्ट आपका बचता है डाइस के बारे में, वो भी आपको क्लियर कर देते हैं। ओके, अब मैं बात करने जा रहा हूं डाइस के बारे में। ओके, जब मैं किसी एक डाइस की मैं बात करता हूं, उस डाइस के बारे में क्लियर करिए। ओके, ये हमारा वन है, ये टू है, ये वन है तो ये कितना होगा, सिक्स होगा। इन दोनों का सम, मतलब अपोजिट का सम हमेशा कितना होना चाहिए, सेवन। ये सिक्स, ये वन से, यहाँ टू है तो यहाँ कितना होगा, फाइव। यहाँ थ्री है तो यहाँ फोर होगा। क्लियर है, अगर मैं बात करता हूँ कि वन डाइस थ्रो, तो जब एक डाइस को मैं फेंकेंगे तो क्या क्या चांस आएंगे बताओ, वन आ सकते हैं, टू आ सकते हैं, थ्री आ सकते हैं, फोर आ सकते हैं, फाइव और सिक्स। इसको बोलेंगे कितने चांस हो गए, सिक्स हो गए। ओके, सैंपल स्पेस की बात कर रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे, सिक्स। मैं ऐसे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए, सिक्स। अगर टू डाइस की मैं बात करता हूँ, थ्रो कर रहा हूँ, तो पहले डाइस, जो पहली डाइस है उस पहले डाइस का क्या आएगा, वन, और दूसरे डाइस का क्या आ सकता है, वन आ सकता है। पहले डाइस का वन, दूसरे डाइस का टू, पहले डाइस का वन, दूसरे डाइस का थ्री, पहले डाइस का वन, दूसरे डाइस का फोर, फिर वन और फाइव, वन और क्या आ जाएगा, सिक्स। ओके, ऐसे बेसिकली आप जब चलेंगे तो आप इसमें देखेंगे क्या, यहाँ वन टू से लेके सिक्स आएगा, और ऐसे करके यहाँ क्या आ जाएगा, वन नहीं होगा, अब यहाँ सिक्स तक, ठीक है। ऐसे यहाँ पे टू वन, थ्री वन, फोर वन, फाइव वन एंड सिक्स वन, और लास्ट में क्या हो जाएगा, सिक्स टू का मत सिक्स। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो इसके रिजल्ट टोटल कितने होंगे, 36। सिक्स एंड सिक्स दैट इज स्क्वायर मल्टीपल 6 × 6, 36, इसको सिक्स स्क्वायर बोलेंगे। तो यहाँ पे आप भी देख रहे हैं, यहाँ पे फोकस करिए, ये वन है, ये टू है, ये जो वन और टू बता रहा है, ये सिक्स टू दी पावर जो है वो नंबर आप क्या बता रहा है, डाइस। तो जनरली यहाँ से आपको एक रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट के बारे में समझिए जान से, जनरल रिजल्ट क्या है। ओके, जो जनरल रिजल्ट की मैं बात करता हूँ, ओके, तो जनरल रिजल्ट में सबसे पहले आप तुरंत आप बताइएगा क्या कि एन डाइस थ्रो, तो उस केस में अगर आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो 6 × 10 क्या बताएंगे, एन। क्लियर है, ये था हमारे डाइस के बारे में।